हेलो फ्रेंड, तो आज के वीडियो में बात करने वाला बारूटो एनिमी सीरीज के वॉच ऑर्डर के ऊपर। इस एनिमी के सीजन के तमाम एपिसोड्स, स्पेशल एपिसोड्स, फाइलर एपिसोड्स और इसकी मूवीज के ऊपर बात करूंगा और कौन से ऐसे एपिसोड्स या मूवीज हैं जिन्हें आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इस एनिमी के वॉच ऑर्डर में बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन है जिसकी वजह से एनिमी फैंस को काफी कन्फ्यूजन होती है। और अगर आप बारूटो एनिमी सीरीज फर्स्ट टाइम देखना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी इस एनिमी को बेस्ट तरीके से देखने के लिए। तो प्रोग्रेस मैं करूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो बरूटो एनिमी सीरीज नारुतो सीरीज का थर्ड पार्ट है। इससे पहले इसके दो पार्ट आते हैं जिसका नाम है नारुतो और नारुतो शिपटन, जिसकी पॉपुलैरिटी की वजह से इसका थर्ड पार्ट बना है जिसका नाम है बरूटो नारुतो द नेक्स्ट जनरेशन। ये सीजन रिलीज हुआ है अप्रैल 5 2017 को और अभी तक 2022 तक कंटिन्यू चल रहा है और अभी हमें यकीन है कि 2023 तक भी इसके एपिसोड्स टोटल रिलीज होते रहेंगे। अभी तक इस एनिमी सीरीज के टोटल 265 प्लस एपिसोड रिलीज हो चुके हैं। हर एपिसोड की लेंथ है नियरली 23 मिनट और माय एनिमी लिस्ट पर इस सीजन को रेटिंग मिली है 5.76 की, जो बहुत ही लो है इसके पिछले दोनों सीजन के मुकाबले में, यानी नारुतो और नारुतो शिपटन के मुकाबले में बहुत ही लो रेटिंग इस एनिमी ने हासिल की है और इसकी स्टोरी पूरी तरह फ्लॉप मानी जाती है। लेकिन नारुतो और नारुतो शिपटन इतने ज्यादा पॉपुलर हैं, ये हर वीक सबसे ज्यादा देखे जाने वाले टॉप 10 एनिमी की लिस्ट में इंक्लूड होता है, जिसकी वजह से एनिमी अभी तक कंटिन्यू सीरीज जा रही है और ये एनिमी काफी प्रॉफिट में जा रहा है जिसकी वजह से इसके एपिसोड हर वीक रिलीज होते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा इसके फाइलर एपिसोड्स के बारे में, क्योंकि नारुतो और नारुतो शिपटन अपने फाइलर एपिसोड्स की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, तो बरूटो सीरीज के अंदर भी आपको फाइलर एपिसोड देखने को मिल जाते हैं। इस सीजन के टोटल 11% एपिसोड्स इसके फाइलर एपिसोड हैं, जो टोटल 29 एपिसोड्स बनते हैं। अगर तो आपको नहीं पता कि फाइलर एपिसोड्स किन्हें कहते हैं, तो वह ऐसे एपिसोड्स होते हैं जो एनिमी में ऐड किए जाते हैं। इन एपिसोड्स में एनिमी की मेन स्टोरी को एक्सप्लेन नहीं किया जाता, जिसकी वजह से एपिसोड काफी बोरिंग हो जाते हैं और तमाम एनिमी फैंस इन एपिसोड्स को मोस्टली स्किप कर देते हैं ताकि वो एनिमी बहुत ही जल्दी खत्म कर पाए। अगर हम नारुतो और नारुतो शिपटन का मुकाबला किया जाए, इसमें बहुत ही लो फाइलर एपिसोड्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो इसके फाइलर एपिसोड हैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो बनते हैं एपिसोड 16 से लेकर एपिसोड 17, एपिसोड 40 से लेकर एपिसोड 41, एपिसोड 49, एपिसोड 50, एपिसोड 67 से लेकर एपिसोड 69, एपिसोड 96, एपिसोड 97, एपिसोड 112 से लेकर एपिसोड 114, एपिसोड 116, एपिसोड 119, एपिसोड 138 से लेकर एपिसोड 140, एपिसोड 152 से लेकर एपिसोड 156 और उसके बाद एपिसोड 256 से लेकर एपिसोड 258। ये तमाम इसके फाइलर एपिसोड्स हैं। अगर आप इन्हें स्किप भी कर देंगे तब भी आपको एनिमी की स्टोरी पूरी तरह समझ आएगी बिना कुछ मिस किए, तो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा इसके मूवीज़ के बारे में, क्योंकि इस एनिमी सीरीज की ओनली मूवीज़ ही हैं जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, जो देखने के काबिल भी हैं। तो सबसे पहले जो मूवी आती है उसका नाम है बारूटो नारुतो द नेक्स्ट जनरेशन। ये मूवी रिलीज हुई थी अगस्त 7, 2015 को। इस मूवी की लेंथ था टोटल 1 hour and 35 minutes और माय एनिमी लिस्ट पर इस मूवी को रेटिंग मिलती 7.41 की। यह बरूटो सीरीज की फर्स्ट और ओनली अभी तक मूवी रिलीज हुई है, लेकिन बहुत ही पॉपुलर मूवी मानी जाती है। इसके बाद मैं बात करूंगा स्पेशल एपिसोड के बारे में। बरूटो सीरीज के अंदर आपको एक स्पेशल एपिसोड देखने को मिलता है जिसका नाम था बरूटो द डे नारुतो बिकम होकागे। यह एपिसोड रिलीज हुआ था जुलाई 6, 2016 को। एक सिंगल एपिसोड है जिसके लिए अंतर टोटल 10 मिनट और माय एनिमी लिस्ट पर इस एपिसोड को रेटिंग मिली थी 7.35 की। ये एक बहुत ही पॉपुलर स्पेशल एपिसोड है जिसको नारुतो और नारुतो शिपटन का फैन कभी भी इसे मिस नहीं करना चाहेगा और ये काफी स्पेशल किस्म का एपिसोड है, तो आप ये एपिसोड जरूर देखिएगा। इसके बाद ये सीरीज अभी तक कंटिन्यू जा रही है और कोई इसकी न्यू मूवी की अपडेट या कोई स्पेशल एपिसोड की अपडेट आई नहीं है। जैसे कोई अपडेट आएगी तो अपने यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा। अगर मैं इस एनिमी सीरीज के इंग्लिश सब और डब के ऊपर बात करूं, तो इस एनिमी के अभी तक टोटल 176 एपिसोड इंग्लिश डब में रिलीज हो चुके हैं और हर वीक इसके न्यू एपिसोड भी रिलीज होते रहते हैं। इसके अलावा सब में तो इसके 268 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं जो अभी तक बढ़ते जाएंगे, और हिंदी डब में अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि इसके एपिसोड हिंदी डब में रिलीज होंगे, क्योंकि अभी तक नारुतो शिपटन के भी हिंदी डब में एपिसोड रिलीज नहीं हुए और सिर्फ नारुतो सीरीज के हिंदी में एपिसोड रिलीज होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी आपको काफ़ी लंबा वेट करना पड़ सकता है अगर आप बरूटो के एपिसोड हिंदी में देखना चाहते हैं। तो ये थी प्रॉपर अपडेट इस एनिमी सीरीज के रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपके फेवरेट एनिमी के वॉच ऑर्डर बताता रहूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो।